का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के मुकाबले थोड़ा कम है। इट गेट्स बेटर विद टाइम ए एंड बी। हमारा कॉलेज अच्छा है, लाइक क्यूट है, कोजी है, मतलब गर्ल्स कॉलेज है तो इट्स फाइन, लाइक कंफर्टेबल फील होता है एंड कैसे भी आ सकते हैं। बुरा क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, इसे लड़के चाहिए। इस एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज का। तो आज हम आ गए दौलत राम कॉलेज और आज हम जानेंगे बच्चों को उनका कॉलेज कितना पसंद है। हाय, आप कौन से कॉलेज में? दौलत राम कॉलेज। तो आपका कॉलेज कैसा है? हमारा कॉलेज अच्छा है, लाइक क्यूट है, कोजी है, लाइक अदर कॉलेज की तरह नहीं है नॉर्थ कैंपस में, बट हाँ अच्छा है। क्या कोर्स कर रहे हो? बीकॉम प्रोग्राम। तो आप क्या कोर्स कर रहे हो? लाइफ साइंसेज। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है। तो आप क्या कोर्स कर रहे हो? बीकॉम ऑनर्स। कहाँ से हो आप? उत्तराखंड। तो ये आपका ड्रीम कोर्स आ गया? कोर्स यस, कॉलेज नहीं। तो आपका सीयूटी स्कोर क्या था? 753। इस स्कोर में आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल सकता था? जैसे कि आई वेंट फॉर बीकॉम ऑनर्स, इफ यू वांट टू गो फॉर प्रोग्राम द कट ऑफ इज स्लाइटली लोअर, तो जैसे कि 753 में अगर तुम्हें तो ओके। तो इस स्कोर में आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल सकता था? जैसे कि आई वेंट फॉर बीकॉम ऑनर्स, इफ यू वांट टू गो फॉर बीकॉम प्रोग्राम और एनईपी के अंडर, इफ यू गो फॉर प्रोग्राम एंड यू गो फॉर 4 इयर्स, तो यू ऑटोमेटिकली गेट द ऑनर्स वाली डिग्री एनीवे। लेकिन जो प्रोग्राम है उसकी कट ऑफ स्लाइटली कम जाती है, तो मे बी दौलत राम का गुड हैव बीन मे बी वेंकी या फिर जेएमसी तक खिंच जाता है अगर तुम प्रोग्राम के लिए जाओ। सीयूटी स्कोर कितना था? मेरा था ओबीसी कैटेगरी, तो इट्स 632। तो नॉर्मल कितना सीयूटी स्कोर होना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? लाइक शी सेड कि अभी अगर आप जनरल में हो तो आपको 730 के ऊपर होना चाहिए। okay. और ओबीसी में हो तो 650 तक चल जाएगा। आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? ऑफ कोर्स वी कम फ्रॉम थॉमस बैकग्राउंड, तो ऑफ कोर्स एसआरसीसी। यार एसआरसीसी वाला बाजू वाला, इसके बाजू वाला ही था, तो बाजू वाला मिला नहीं तो इधर आ गए, बाजू वाला ही मिल गया। तो आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? मैंने यही फर्स्ट चॉइस में रखा था और मुझे यही मिला। और आपका सीयूटी स्कोर क्या था? मेरा 84%। इस सीयूटी स्कोर में आपको एक बेटर कॉलेज मिल सकता था? आई थिंक हाँ मिल सकता था। तो आपका सीयूटी स्कोर क्या था? मेरा 680 था, 600 की लाइन में था, बस उसी लाइन 600। तो इस स्कोर में आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता था? हाँ, मिल सकता था, फ्रीज कर दिया ना। इस कॉलेज में एडमिशन लेना कभी रिग्रेट फील तो नहीं कराता? थोड़ा बहुत तो कराता है ऑनेस्टली। रिग्रेट फील तो नहीं हुआ कभी यहाँ एडमिशन लेके? स्टार्टिंग में हुआ था बट अब अच्छा लग रहा है। अब सही है, स्टार्टिंग में था। कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स? प्रोज जैसे कि इट टेक्निकली इज इन नॉर्थ कैंपस, तो व्हेन यू आर हियर यू डू गेट द एक्सपोजर। जैसे कि इट्स नॉट कि तुम केवल अपने कॉलेज के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करोगे, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद इवन एसआरसीसी के लोग, तो इट्स लाइक यू विल इंटरेक्ट विद ऑल द नॉर्थ कैंपस के लोग, तो यू विल नो कि व्हाट द अदर पीपल आर अप टू, द काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू गेट इज गुड। द कॉन्स आर जैसे कि इट इज टेक्निकली इन नॉर्थ कैंपस अगेन, बट इफ यू आर गेटिंग द ऑप्शन लेट्स से इन साउथ कैंपस में, इफ यू गेटिंग वेंकी और गार्गी और जेएमसी, गो फॉर दोज कॉलेजेस, ये ना सोच कर कि ये नॉर्थ कैंपस में है। इट हैज इट वर्क्स, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली कॉलेजेस, आई वुड रादर बी इन वेंकी इन साउथ कैंपस देन हियर इन दौलत राम। ड्रीम कॉलेज क्या था? स्टार्टिंग से डीयू में आना था तो मिरांडा। मेरे को एमबीबीएस करनी थी तो मेरे को डीयू का इतना वो नहीं था, बट फिर उसके बाद एमबीबीएस में नहीं हुआ तो एज अ बैक। क्यों की रिएक्शंस देने? इंफ्रास्ट्रक्चर नाइस, बैड एवरेज, कैंटीन गुड, महंगी है पर अच्छी है। कैंपस कैसा है? बहुत अच्छा, एवरेज। कैंपस ओके। क्लासेस कैसी है? क्लासेस आर फाइन, द टीचर्स आर फाइन, द फैकल्टी इज फाइन, बहुत अच्छी है, बढ़िया पर एसी नहीं है। एक दो क्लासेस में ही एसी है, बाकी ऐसे ही एवरेज, वेरी गुड। बिल्डिंग? बिल्डिंग लाइक इट्स गुड, एवरेज, ऑल्सो ओके। एसी वगैरह है क्लासेस में? क्लासेस में नहीं है, लाइब्रेरी है। थोड़ा सा मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सकता है। और कुछ जो ये दूसरे कॉलेज से हटकर आपको लगता है अच्छा? अगर मैं सच बताऊं तो जो टीचर्स हैं वो काफी एंगेजिंग है, जिसकी वजह से हमारा कॉलेज मुझे पसंद है, स्पेशली अपना गार्डन बहुत पसंद है। okay. लेकिन एक इम्प्रूवमेंट मैं ये चाहती हूँ कि एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बेटर हो, बास्केटबॉल कोर्ट हो, वो सब नहीं है अभी। जो बच्चे स्पोर्ट्स से लेके आते हैं एडमिशन, उनके लिए बेटर ऑप्शन है ये? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा ग्राउंड तो छोटा है लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? एज कम्पेयर टू बाकी के डीयू के कॉलेज बहुत छोटा है, एज कम्पेयर टू बाकी के डीयू के कॉलेज। कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स? प्रोज दैट इट्स सो क्यूट, कोजी, इट्स सो ब्यूटीफुल। कॉन्स में मैं बोलना चाहूंगी गर्ल्स कॉलेज है। कॉन्स ये भी है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के मुकाबले थोड़ा कम है, बाकी अच्छा है। ठीक
टीचर्स कैसे आप? टीचर्स आर फाइन, सम डिपार्टमेंट्स के टीचर्स आर बेटर देन अदर्स, जैसे कि लेट्स से इफ यू गो फॉर द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो साइकोलॉजी इज ऑफर्ड बाय ओनली अ फ्यू कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट? इफ यू गो फॉर जैसे कि LSR है, उसके बाद सीधे दौलत राम है, उस हिसाब से साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में हमारे कॉलेज की रैंकिंग इज काफी बड़ी. तो अगर तुम उस डिपार्टमेंट की बात करो तो फैकल्टी इज वेरी नाइस, काफी अच्छे टीचर्स है, मतलब थोड़े सपोर्टिव टीचर्स भी है, और वो होता है ना टीचर जैसे गुस्सा करते हैं और ये सब, वो भी है. फेस्ट वगैरह होते हैं? हाँ, हमारे रिसेंट भी हुआ मंचरी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल था. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा. अटेंड किया था आपने? जरूर. फेस्ट आर नाइस, या हमारा भी हुआ था, इट वाज गुड. ओनली फेस्ट तो इन जनरल, खैर नॉर्थ कैंपस में तुम कहीं पे भी चल जाओ, दे आर फन. और फेस्ट का इट डजंट रियली मैटर तुम्हारे कॉलेज का कैसा हो रहा है, यू आर जस्ट देयर इन एवरी फेस्ट इन एवरी कॉलेज, नॉर्थ कैंपस आउट कैंपस, डजंट मैटर. सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी सेफ्टी इट इज गुड. जैसे कि फेस्ट भी हुआ था तो दे हैड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, बट अगेन बींग इंडिया इन जनरल तो गर्ल्स कॉलेजेस के साथ सिक्योरिटी थोड़ी, मतलब इज लाइक इट्स नॉट द कॉलेजेस फॉल्ट, इट्स द इन जनरल द परसेप्शन दे हैव कि गर्ल्स कॉलेज है, तुम लोग दीवारें बांधने की कोशिश कर सकते हो और कोएड में तुम नहीं कर सकते, इवन दो कोएड कॉलेजेस में भी उतनी लड़कियां हैं. इट्स जस्ट अबाउट माइंडसेट, इट्स नॉट द कॉलेजेस फॉल्ट, इट्स जस्ट द वे सोसाइटी वर्क्स. सिक्योरिटी के हिसाब से कैसा कॉलेज है लड़कियों के लिए? बहुत अच्छा है, लाइक सिक्योरिटी इज ऑन टॉप. से गर्ल्स कॉलेज है तो सिक्योरिटी तो अच्छी है. नियर बाय हैंगआउट स्पॉट्स कौन से कुछ पता है आपको? कमला नगर, हडसन लेन और बाकी टपरीज तो है ही. सुदामा स्टॉल, ये टॉम अंकल की मैगी, हैंगआउट स्पॉट्स नियर बाय मैगी वाली प्लेस, ये हैव सर्टेन फेमस कैंप प्लेसेस, जैसे कि आगे टॉम अंकल की मैगी, यू हैव सुदामा वाली चाय अगेन, बट ऑल ऑफ देम आर काइंड ऑफ प्रीटी ओवररेटेड. हॉस्टल फैसिलिटीज है अंदर? नो, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन. अदर फैसिलिटीज जो आपको दूसरे डीयू कॉलेज से अच्छा लगती है? सस्टेनेबल हाउस है, मतलब वहाँ पे पेपर वगैरह रिसाइकल होता है, मुझे नहीं लगता वो बाकी कॉलेजेस में है, तो ये अच्छी बात. कितना एक्सपेंस हो जाता है आपका एक महीने का? तो कॉलेज की फीस तो कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स लाइक द गवर्नमेंट कॉलेज है, द फीस इज प्रीटी लेस, बस पीजी रेंट वगैरह सब इंक्लूड कर समवेयर अराउंड 22-23. तो आप यहाँ पीजीज में रहते हो? या विजयनगर. आप मेट्रो से जा? तो पीजीज का एवरेज कितना खर्चा आता है आपका, मंथली एक्सपेंस कितना होता है? पीजी का एक्सपेंस लाइक मैं अगर वो डिपेंड करता है लाइक कौन से पीजी में आप स्टे कर रहे हो, तो मेरा 25,000 पर मंथ हो जाता है खर्च. प्लेसमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं कॉलेज? यस, प्लेसमेंट करते हैं, बट प्लेसमेंट्स आर नॉट दैट गुड, मतलब दे आर नॉट दैट ग्रेट, दे आर देयर. कॉलेज ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स होती हैं. मैंने सुना है कि प्रोवाइड करती है, लाइक उतनी नहीं है, एवरेज है, तो मैं तो नहीं लूंगी, मेरे को MBA करना है. कनेक्टिविटी कैसी है कॉलेज की? यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है तो कनेक्टिविटी अच्छी है. विश्वविद्यालय आई थिंक 1.1 किलोमीटर. कोएड वर्सेस गर्ल्स कॉलेज, बोथ हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. ए क्या कहते हैं, कोएड कॉलेजेस में कंपैरेटिवली एक्सपोजर इज मोर, दैट इज समथिंग यू कांट डिनाई, बट द एनवायरनमेंट एट गर्ल्स कॉलेजेस आई वुडन्ट से इट्स bad, it's good actually. You feel safer, you feel I don't know, less conscious, what I'll say. Bura kya lagta? Mujhe kuch nahi lagta, isse ladke chahiye. इसे कोएड चाहिए बस, और हमें कोएड नहीं चाहिए तो हम अच्छे हैं. हमें गर्ल्स कॉलेज में बहुत खुशी मिली. कोएड चाहिए, ओनली रीजन लड़के नहीं है, ठीक है? कोएड कॉलेज वर्सेस गर्ल्स कॉलेज. कोएड कॉलेज इज ऑब्वियसली लाइक बहुत अजीब सा लगता है स्टार्टिंग में, बट अब हम यूज्ड टू हो गए हैं. मुझे भी लगता था कोएड कॉलेज ही बेटर है, बट गर्ल्स कॉलेज में काफी कंफर्टेबल रहता है और सिक्योरिटी भी अच्छी है. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर कॉलेज? आई एम नॉट श्योर. एम क्या है लाइफ का? या मुझे पता होता तो बात ही क्या थी. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर कॉलेज क्या? टू क्लियर कैट. MBA का ड्रीम कॉलेज सोचा कभी? या आई एम अहमदाबाद FMS. रेटिंग आउट ऑफ 10? 7 स्टार. आई वुड से 8. 7.8. 8.5. 6.5. 7. क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कुछ कहना चाहोगे? मैं बोलना चाहूंगी कि आप अगर नॉर्थ कैंपस में आ रहे हो तो आ जाओ, कोई भी कॉलेज मिलता है, डजंट मैटर एट ऑल, तो प्लीज कम. अगर डॉलर का भी मिल रहा है तो आओ, ये अच्छा है, हमसे जरूर मिलना. मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि गर्ल्स कॉलेज है तो डिसहार्टन मत होना, वो भी काफी अच्छा है और काफी कम्फर्टेबल एनवायरमेंट है, और लोग भी काफी अच्छे जो ग्रो करने में हेल्प करेंगे. देयर आर सम साउथ कैंपसेस कॉलेजेस व्हिच आर बेटर देन दिस. जैसे इफ यू क्लियर DRC की कट ऑफ, चांसेस आर यू हैव क्लियर्ड JMC की और गार्गी की भी कट ऑफ ऑल्सो, बिकॉज उनकी कट ऑफ इज कम्पेरेटिवली लोअर बिकॉज दे आर इन साउथ कैंपसेस, बट द फैकल्टी इज बेटर, द एक्सपोजर इज स्टिल बेटर. आई वुड से डोंट गेट कॉट अप इन द नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस पार्ट ऑफ इट. इफ यू गेटिंग सर्टेन कॉलेजेस इन साउथ कैंपस, गो फॉर दैट. स्टूडेंट से रिव्यू लेने के बाद कॉलेज के बाहर लगे स्टॉल से चाउमीन और मोमोज खाए, जो बस ठीक ही थे.